देखो ऑरेंज, ये देखो ऑरेंज ऑरेंज नहीं है, ये येलोइश लाइट दी है, ले क्रीमी वाली, क्रीमी वाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये है अब्बा की काम, अब्बा ये की अब्बा काम, की काम की चीज, काम की चीज। गाइस कल वीडियो नहीं आया, बहुत सारी परेशानी चल रही है, लेकिन हंसते हुए निकल जाएगी, ज्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं आप है। लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आए रहेगा यूसुफ का फेस वगैरह देख के। इसको पूरा नीम से निलाए हुए है, इसको वो क्या बोलते हैं, उसको दो तीन चीज बोलते हैं, एक तो चिकन पॉक्स बोलते, माता बोलते, माता बोलते, फिर गोगरी बोलते, बोलते, पापू को परसों और रात में भी आई है, लोगों को बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। और इसके हाथ में ये लाइट का बटन दिया हूँ मैंने, तो ये लाइट के बटन से लाइट को चेंज कर रहे, जा रहा है अब्बा की काम। ठीक है, तो जब रात में गोभी अचानक से आ गई ना, तो अचानक से नहीं, हाँ एक्चुअली ना जिस दिन पता चला उससे एक दिन पहले इसको ना यहाँ पर हुई थी, तो हम लोग को लगा कि मच्छर ने काटा ये है। वाला। हाँ मच्छर ने ये काटा वाला। है तो नॉर्मल है। दूसरे दिन वो पूरा दिन भर बाहर भटका, खेला, सब किया, और रात को है ना उसके पीठ पे ना दाने दाने हो गए थे और इसको हो रही थी इचिंग। तो हाँ बोलता अम्मी मेरे को यहाँ खुजली हो रही, तो मैंने दिखा तो एक दाना समझ में आया, तो मैं बोली शायद कुछ काटा है तेरे को यूसुफ, तुमको काटा कुछ? बोलता नहीं। फिर हाथ लगाती तो तीन चार, मैं बोली हुआ क्या, शर्ट खोल के देखी तो पूरे छाले जैसे पूरा पीछे साइड भरा हुआ है, भरा आगे हुआ। इतना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हाँ से लेकिन इसको वो नीम रगड़े है ना, तो वो जितनी तेजी से बढ़ रहा था ना, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, नहीं रुक एकदम गया कम है हो अभी, गया। तो उसको खेलने देते हैं लाइट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं चिल्ला रहा नहीं, उसको मार रहे नहीं हम लोग, कुछ नहीं कर तू, तेरे को जो करने का बिंदास। रात को 1 बजे मैं भागी नीचे अम्मी के पास, क्योंकि समझ में नहीं आया, कभी देखे नहीं हम लोग ने, तो नीचे भागे हम लोग, मैं भी डर गई, ये बोलते मैं भी आता, तो गए हम लोग नीचे। नीचे जाने के बाद मैं अम्मी को बोली कि अम्मी ये क्या हुआ इसको, जब अम्मी देखे अम्मी परेशान, अम्मी बोले नहीं तो गोबरी लग रही है, तो फिर अब्बा को बोले, तो अब्बा बोले कि हाँ ये वही है। सिर बुखार भी चढ़ गया था रात ही रात में उसको। हाँ, और अच्छा है कि घर में पैरासीटामोल रखे हुए थे हम लोग ने, तो वो पिला दी, तो रात को थोड़ा सुकून से सोया। इसका बिस्तर अलग कर दिए एकदम साफ सुथरा वाला, फिर नेक्स्ट डे ये अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के अपन सोने भागे। सोने पे सो गया, रात भर तो सोए नहीं, और अर्ली मॉर्निंग उठ के इनको भागना पड़ा किस लिए, नीम लाने के लिए। नीम लेके आए, नीम इसके बिस्तरों पे, घर की दहलीज पे, झूले के ऊपर नीम का पेस्ट बनाई, इसके पूरे बदन पे, ये चेहरे देखो पे, सब जगह नीम नीम इधर नीम, दिखा पापू, इधर ऐसा दिखा ना, ऐसा दिखा ना, तेरे को नीम लगा लिया हम लोग ने, देखो पूरा नीम लगे पूरे उसके। ठीक बदन पे नीम है इसके, है, और ये इतना रोता है ना नीम लगाने के बाद टाइम पे, मेरे ख्याल से वो ना जलता रहेगा, क्योंकि छाले फूट जाते हैं, फूटने के बाद कैसा जलन होती है हमें, और उसमें मैं लगा रही हूँ नीम, तो बच्चे को जलन होती रहेगी, और उसको ना गंदगी नहीं पसंद, तो वो और ज्यादा चिढ़ता है, जमीन पैरों पे नहीं रख रहा, इतना रो रहा था, अल्लाह इतना रो रहा था। फिर अब्बा ने मेरे को बोले, मैंने पहला मतलब दिमाग में आया कि भाई इसका क्या करूं, नीम तो ये लोग लगाएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी लेके जाऊँ, हो सकता है डॉक्टर कुछ दवा देवे। तो डॉक्टर के पास मैं ना मतलब कैसा है ये सीन में, ऐसा रहता है कि भाई बच्चे को बाहर नहीं निकालते, घर में ही रहने देते, ऐसा वाला सीन रहता ना, ये देखो ये वाला। तो मैं ना बच्चे इसको लेके नहीं निकला, मैं सुबह सुबह नीम लेकर आया, फिर डॉक्टर के पास चले गए। ब्लू नहीं है, वाइट है वो। तो डॉक्टर के पास जाके ना मैं बोला कि यूसुफ को गोबरी आई है, यूसुफ को डॉक्टर अच्छे से जानता है, तो बोले गोबरी आ गई है, मतलब शायद वो समझ नहीं पाए वो टाइम पे, या फिर मैंने सही से नहीं बताया। मैं बोला हाँ, लेकिन पानी पानी वाला जैसा आया है। तो मेरे को बोलते अबे उसको माता बोलते हैं ना, दिमाग में मतलब दिल में ऐसा था ना कि मैं डॉक्टर को जाके बोलूंगा देखो माता ही है, तो वो भी बोलेगा ना अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है तू, डॉक्टर है बोले तो अलग सोच वाले। साइंटिफिक हाँ, थिंकिंग होती तो है। मैं जाके वहां बोल रहा हूँ ये पानी भरा हुआ ऐसा ऐसा, तो डॉक्टर मेरे को बोलता अबे उसको माता बोलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं चलो इट्स कॉमन। तो डॉक्टर ने बोला क्या जो घर वाले कर रहे घरेलू नुस्खे बिंदास करते जाओ, कोई रुकावट नहीं, मैं इसमें दवा देता हूँ जो बच्चे को बदन गर्म होता है, बदन दुखता है, बुखार वाली वो, बाकी ये सब उसी से चले जाएगा। तो आज दूसरा दिन है, कल इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि कल हम लोग कुछ ज्यादा बोलते ना टेंशन, पहला दिन ज्यादा टेंशन रखा हम लोग खुद इसके पीछे, हर कोई कोई ना कोई, कभी मैं, कभी अम्मी, कभी जीनत, कभी ये तो समझो सोए नहीं ना, रात भर सोए ना दिन भर सोए, लगे पड़े थे उसके पीछे। ये देखो ना, ये देखो अभी तुम लोग को देखो, तो ये देखो ये फोड़ दिया इसने, जबकि फोड़ने का नहीं रहता, दाग रह जाते इधर पे,
एक दो तीन चार छोटे छोटे इधर पे, देखो इधर का भी फोड़ दिया, इसको बोल रहा हूँ मैं मत फोड़, उंगली मत लगा, नाखून पकड़ के खींच। अभी तो मैंने बोल दिया अब अगर फूटा ना कुछ भी तो मैं और नीम ला के लगा दूंगी, तब से ना लगा रहा नहीं, खाली यूं करता है, यूं करता कुछ भी होती है तो। अब पूरे वांदे हो जाते ना इसको यहाँ लगा के, तो अभी इधर भी लगा ले इसको हल्का सा टिक पे, इधर पे उसको नीम के पास पसंद नहीं आ रही ना, अभी बात आ रही है। बताओ अभी तुमको क्या हुआ है, बहू कैसा हुआ है तुम्हारा, बहू बताओ पूरा बताओ इधर पे बहू। हाथ पे हुआ, हाथ पे, हाथ पे, हाथ पे भी उंगली, देखो हाथ पे भी हुआ है, हाथ पे। अभी तुम लोगों को इतना क्लियर दिख रहा नहीं रहेगा क्योंकि कैमरा दूर रखा है मैंने, और बहुत छोटी छोटी आ रही है, पीठ भरी हुई है, पीठ भर गई मेरे बच्चे की। अभी नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को, लेकिन बहुत छोटी छोटी आई है। पर एक चीज क्या अच्छी हुई, वो तो अच्छा हुआ कि अम्मी ने बता दिए कि फटाफट इसका बिस्तर अलग कर दो, साफ सुथरा वाला बिस्तर, नीचे से बिस्तर। ये देखो, ये देखो इसका अलग से बिस्तर लगा हुआ है। उस दिन रात में हम लोग माँ बेटे नीचे सोए थे, टुवाल यहाँ पर यूज करके नहीं रखा गया है, ये इसकी गोदड़ी है, यूसुफ का अलग से साफ वाला टॉवल है। और इसको ना और सबसे मेन चीज क्या थी मालूम, सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा टास्क के यूसुफ घर से बाहर नहीं जाना मांगता। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगी, मेरा बच्चा ना बहुत समझदार है, इसको एक बार बोल दिया हम लोग ने पापू तुम बीमार है बाहर अभी नहीं जाना, तुम अच्छे होंगे ना मेला लेके जाएंगे, तब से उसने जिद नहीं किया बाहर जाने की। अच्छा तुमको बाहर नहीं लेके गए ना कल से रात के टाइम पे, तब गए थे अपन माते गए थे तेलंग में, अपन माते गए थे खेती में, आजू वाली वाला टूर है ना, इसको बहुत अच्छे से याद हो गया है। हम लोग रिक्शा में गए थे, फिर ट्रेन में गए थे, फिर वहाँ से गए थे हम लोग हाजी अली। कल का क्या था, कल अपन माँ गए थे तेलंग में, अपन माँ गए थे कल पेटी में, अपन माँ गए थे। देखो एक चीज से ना कल ये समझ में आई ना मुझे, सीख थी बोलूंगा कि एक एक्सपीरियंस लाइफ का ऐसा था ना कि मेरे को सोरेसी से, ठीक है सोरेसी, हाँ पापू जा क्या है अपन, तो मेरे को जब सोरेसी से ना, तो अम्मी ने मेरे को तो देखो मैं ये बोल रहा था, बोलने देगा मुझे प्लीज, अब्बा को बोलने दो पापू, अब्बा प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने देगा। मैं ये बोल रहा था कि जब ना बोलने दे रहे मेरे को, अच्छा अब्बा को बोलने दे, रुको हाँ अपन बाद में बोलेंगे, तुम लाइट से खेलो। पक्का बोलू? हाँ बोलो बोलो। मैं ना जब बचपन में ना मेरे को सोरे पापा हाजी अली कहते, हेलो कहते हाजी अली, तुम्हारे बहू के बारे में बता रहे ना, अब्बा को बता रहे तो बोलो अब्बा। अब्बा बोलू? हाँ देखो अपने को ना सच्ची बता रहा हूँ, देखो अभी वापस शुरू करता हूँ, मेरे को है सोरियासिस तो मेरे को सोरियासिस रहने के बाद ना अम्मी और अब्बा ने ना बहुत भागम दौड़ी की। अम्मी ने ना मतलब हर जगह, मतलब हर हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो शायद मुश्किल से, मैं बता ना कोई एक आध दवाखाना मुंबई का छूट गया रहेगा कोई स्किन डॉक्टर, लेकिन बाकी तो सारी जगह पर लेके गए। और यही नहीं, इसके अलावा भी मतलब बोलते ना कि आयुर्वेदिक या फिर ये बाबा ये चीज़, दादी का नुस्खा, नानी का नुस्खा, ये बाजू में कोई पड़ोसी आया उसने कुछ नया दे दिया, ऐसा करो वैसा करो, तो बचपन में ना मेरे पे कम से कम नहीं बोलो 500-800 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और मैं वो टाइम पे नहीं समझ पाता था, मैं बोलता था क्यों मेरे को ऐसा सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि कभी अंडा और मिर्ची मिला के लगा दिए, कभी हल्दी लगा दिए, कभी मछली की खाल निकाल के लगा के रख दे हुए, ऐसे ऐसे एंटिक एंटिक एक्सपेरिमेंट मेरे साथ होते थे ना, तो वो चीज मैं नहीं समझ पाता था वो टाइम तक। मेरे को फिर ऐसा लगता था कि क्या यार क्या सिचुएशन मैं हैंडल कर रहा हूँ और मेरे साथ ही क्यों। लेकिन कल जब यूसुफ को ऐसा कुछ हुआ और मुझे जब बोले ना कि जा जल्दी से नीम लेकर ये कर वो कर, दरवाजे पे लगा, मेरे को उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम था और मुझे मालूम करना भी नहीं था, मुझे बस ये था कि यूसुफ जल्दी से जल्दी सही हो, उसको तकलीफ ना हो और मेरे को जो करना पड़े मैं करेगा। तो कल मेरे को वो रियलाइज़ हुआ कि जो अम्मी की भागम दौड़ी, जो मेरे अम्मी अब्बा जो परेशान रहते थे मेरे लिए, उसका मेरे को शायद एक 1% भी नहीं बोलूँगा मैं, रियलाइज़ हुआ कि
कि क्या था वो चीज, और मैंने उस चीज को समझ नहीं पाया। अब समझ में आया। वो माँ बाप हमेशा बोलते ना कि तेरे को अभी नहीं समझ में आएगा, जब तेरी औलाद होगी ना तब समझ में आएगा। तो शायद ये उसके जैसा ही था, वो उससे रिलेट करता है, समझा? तेरे को जब तेरी औलाद होगी ना तेरे को तब समझ में आएगा। उसको अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे। शाबाश। अब जल्दी जल्दी तुम लोग भी दुआ करो कि यूसुफ जल्दी जल्दी सही हो जाए, क्योंकि नहीं मजा ही नहीं आता है फिर, पता है नॉर्मल सर्दी बुखार रहती है तो ठीक है, ये आई है माता। अब इसके अंदर इसको रहेगी, जब भी नीम लगाते ना वो टाइम का मैं तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, हम लोग सबका दिल हिल जाता है, दिल हिल जाता है, क्योंकि वो फूटता है ना तो पहली बार तो पानी निकलता तो वहीं जलता है, अब उसके ऊपर ये सब लगेगा ना तो वो और जलता है, ये नाचता है लिटरली एकदम। कैसा अमीन, अमीन जब नीम लगाती कैसा होता तेरे साथ, तू रोता ना, मत लगाओ मत लगाओ। लाइट चालू करके बोलना, हाँ बोल। अम्मी मत लगाओ, मत लगाओ अम्मी को, मत लगाओ। अम्मी लगा रही थी फिर भी जबरदस्ती। बकरी का बच्चा नहीं, जान है ना तू। मैं लगा रही थी ना तो वो देखते साथ ही ना, अब उसको दिल में दहशत हो गई कि नहीं मत लगाओ, ये वाली दवाई मत लगाओ, ये दुखता है, ये गंदा है, हाथ गंदा हो गया धुला दो, पैर गंदा हो गया धुला दो, मेरे को ठंडी लग रही धुला दो, ऐसा चालू होता था उसका। वहां पर से इसको घर से बाहर नहीं जाने वाला सबसे बड़ा टास्क था, तो इसके लिए हम लोग ने क्या क्या डील किया मालूम इसको। अभी थोड़ा देर टैब देके बिठाएंगे समझ में आता है, थोड़ा देर स्लाइम या कोई खिलौना देके बिठाएंगे समझ में आता है, कुछ खाने के लिए दे दिए, चीजी दे दिए, तो लेकिन फिर भी पूरा दिन के घर से बाहर नहीं निकलना है, उसको पैक कर दिए तो वो पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन जब 8-9 बजे तो उसके बाद चालू किया इसने, अब्बा मेरे को बाइक पे लेके चलो, और फिर वो जो जीत थी वो टाइम पे थोड़ा एकदम बोलते ना टफ सिचुएशन थी, फिर आज का दिन भी हो निकल गया। वो सिचुएशन के लिए जीनत ने क्या किया पता, उनके सारे मेकअप किट निकाले, ले सब मेरे को लाली लगाई, ले फाउंडेशन लगाई, ले ये लगाई, ले वो लगा, आई शैडो लगा, और ले गया फुल मेरे ऊपर, जीनत के ऊपर, अपने अब्बा के ऊपर, खुद के ऊपर फुल एक्सपेंस खर्चे किए उसने, वो वाले पूरे यूज किया, यूटिलाइज किया, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग भी पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। और वो सारी चीजें ना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ब्लॉग के जरिए आप लोगों तक शेयर करूं, क्योंकि वो मोमेंट ऐसे रहते हैं कि हम लोग अंदर से परेशान भी रहते हैं और ट्राई करते हैं कुछ अच्छे से हैंडल कर ले वो सिचुएशन, एटलीस्ट ठीक है, ये थोड़ा शांत रहे, थोड़ा नॉर्मल रहे, तो वो टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है कि कैमरा उठा के वो चीज को कवर करने के लिए दिमाग दौड़े, तो इसके लिए मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाया ये, लेकिन ना खुद ही डरा हुआ है, काफी हद तक डरा हुआ है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, नीम लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, यही बैठ बोल रहे हैं, बाहर मत जा बोल रहे हैं। हाँ हम लोग फिर से शुरू करते, तो ये अभी एक वो चीज पे सेट हो गया ये कि डॉक्टर के पास जाने का, दवा लेने का और दवा खाने का, कुछ भी हुआ तो ये चीज के लिए अभी रोता गाता नहीं है, लेकिन ये नया आइटम आ गया ना बोला, ये इससे परेशान हो गया, बोले मेरे को लेके चलो दवा खाने, मैं दवा खाऊंगा लेकिन ये सब क्यों कर रहे मेरे साथ। वो सामने से बोल रहा है अम्मी तुम मेरे को रेड वाली दवाई पिला, ये मत लो, उसका ऐसा हो गया, दुआ करो, ऐसा सुना है मैंने कि 3 दिन में खत्म होता है, लेकिन आप लोग दुआ करो कि जल्द से रुक जाओ, पहले बाय करके, ज्यादा लंबा टाइम ना चले। चलो गाइस फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, बहुत सारी दुआ करना, जल्दी से सही हो जाए ठीक है, और मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि सही में अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को भी देख के तकलीफ होगी, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ यूसुफ की अच्छी मस्तियों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय, लव यू मी जान तू, डरा रहे लोग इसको, पप्पी देने के बाद नीम लगा रहता है इधर में। 2 दिन से कड़वी पप्पी पप्पी ले रहा हूँ, 2 दिन कौन सा कलर है इसको, 5-6 स्लाइम ला के दे दिया ताकि तू घर में टाइम पास कर, उस्मा की स्लाइम इसलिए बोल रहा है क्योंकि हर बार 3-4 स्लाइम, 4-4 स्लाइम लेकर आता तो 2 इसका रहता, 2 उस्मा का रहता है, कल से इसने 3-4 स्लाइम खेल लिया है, तो अभी जो नया निकला ना तो इसको लग रहा है कि आधी मेरे लिए थी, आधी उज्मा के लिए थी, आधी मैंने खेल लिया, अभी जो निकल रही है वो सब उज्मा की है, इसलिए बार बार बोल रहा है उज्मा की स्लाइम।
अब इसको समझ में आ गया घर में कुछ भी आया तो उस मापा से शेयर करने का, उस मापा के साथ खेलने का। बाय बाय, खुदा हाफिज़। बाय टाटा, बाय बाय फिनिश। फिनिश टाटा, बाय बाय फिनिश। बहुत दिन के बाद निकला है। टप टप क्लियर टाटा, बाय बाय फिनिश। हम लोग फिल्म में लगे, तुम बंद कर दो।